नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आपको हम लेकर आ गए हैं वाराणसी के 80 घाट पर। और दोस्तों यहां पर जो कि गंगा जी का जलस्तर कम होने के बाद किस तरह से जो कि घाट का जो कि दुकानदार लोग हैं और जो कि घूमने फिरने वाले लोगों का जीवन कैसे वापस आ चुका है, तो वीडियो के में आपको दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहें। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं, यह सुबह बनारस घाट की जो कि गेट है जहाँ से एंट्री होती है यहीं पर लेकर हैं। और अभी जो कि पानी शुरू हो गया है तो सभी लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ जो कि सुबह बनारस घाट का जो कि मंच है उसमें जो कि घुस चुके हैं, ज़्यादातर लोग छुप चुके हैं। और घाटों पर जो कि देख पा रहे हैं यह सब मैट बिछाए गए हैं, यह सब भी हटाए जा रहे हैं। और दूर देख पा रहे हैं कि हर तरफ लोग छुप चुके हैं जो कि पानी से, और जो कि घाट को पूरा साफ कर दिया गया है। अभी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि पूरा मिट्टी जमा हुआ था और पानी भरा हुआ था, तो अब देख पा रहे हैं कि किस तरह का जो कि माहौल हो चुका है घाट का। और काफ़ी सारे लोग जो कि यहाँ पर मौजूद हैं इस समय, और देख पा रहे हैं कितनी सारी भीड़ है। और आपको टाइम का बात किया जाए तो टाइम दिखा देते हैं, तो 4:21 हो रहा है टाइम। और दुकानें भी देख पा रहे हैं किस तरह से लगा दी गई हैं यहाँ पर। और जो कि बारिश शुरू हो चुकी है, देख पा रहे हैं बारिश में भींगकर जो कि आपको वीडियो दिखा रहे हैं। और जो कि नावें अभी भी चलाई नहीं जा रही हैं, नावें अभी खड़ी की गई हैं क्योंकि प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं मिला है, इस कारण बस अभी जो कि नहीं चलाई जा रही है। यहाँ देख पा रहे हैं कुछ लोग फोटोग्राफी और मस्ती करते हुए नज़र आ रहे हैं, किस तरह से जो कि जीवन लोगों का पानी घटने के बाद किस तरह से वापस आ चुका है। और पानी ज़्यादा नीचे तो नहीं गया है, लेकिन फिर भी जो कि ऊपर का चबूतरा है उसी के करीब 4 से 5 सीढ़ी नीचे पानी है, यह देख पा रहे हैं। और यहाँ पे भाई साहब लोग भी बैठे हुए हैं जो कि दूर दराज से आए हुए हैं। और इस साइड पे देख सकते हैं बोलबम के लोग, काफ़ी सारे लोग नज़र आ रहे हैं। और जो कि नाव चालक लोग हैं वह लोग अपनी नावों को सुरक्षित करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और इस साइड देखा जाए तो देख पा रहे हैं कि जो कि पानी कम होने के बाद पूरा मिट्टी जो कि काफ़ी जमा हुआ है, यह देख पा रहे हैं जो कि पानी कम होने के बाद पूरा घाट पर मिट्टी जमा हुआ है सीढ़ियों पर। तो यह देख पा रहे हैं जो कि मिट्टी काफ़ी जमी हुई है, जो कि अभी घाट को तो साफ कर दिया गया है लेकिन जो कि सीढ़ियों का मिट्टी अभी भी बाकी है। और आगे ले चलते हैं आपको जो कि 80 घाट की तरफ। तो यह देख पा रहे हैं जो कि यहाँ पर भी काफ़ी मिट्टी जमा हुआ है और रस्सियों से जो कि नावों को बांध दिया गया है, काफ़ी पानी तो कम हुआ है लेकिन नाव चलाई नहीं जा रही है इसलिए बांधा गया है। और यह देख पा रहे हैं पूरा जो कि घाट को साफ किया जा रहा है और पूरा मिट्टी जो कि जमा हुआ है। दोस्तों आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब तो नहीं करते हैं, तो जल्दी जल्दी आप लोग कर लीजिए ऐसे ही बनारस से जुड़ी हुई वीडियो देखने के लिए। तो यह देख पा रहे हैं जो कि काफ़ी फिसलन भरी जगह है और जो कि चबूतरा है, देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरा मिट्टी जमा हुआ है। और घाटों को जो कि इस तरह से साफ किया जा रहा है क्योंकि पानी अब कम हो चुका है, तो जीवन को जो कि वापस लाना पड़ेगा लोगों को, जो कि रोजगार है जिनका घाटों पर चलता है और पर्यटक लोग आते हैं उनके लिए सुविधा के लिए साफ किया जा रहा है। चल ठीक है, देख पा रहे हैं। और इस साइड से जाना पॉसिबल नहीं है तो आपको दूसरी तरफ से ले चलते हैं क्योंकि काफ़ी तेज़ जो कि पानी का फुहारा मार रहे हैं। देख पा रहे हैं दोस्तों जो कि काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई है और घाट पर लोग किस तरह से जो कि एंजॉय करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग घूमते हुए और कुछ लोग जो कि यहाँ पर छुपे हुए हैं। और इस साइड में भी देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग जो कि हैं छुपे हुए हैं। और घाट पर कुछ इस तरह की बारिश हो रही है, बारिश हो रही है लेकिन कुछ लोग बारिश में जो कि चौकी पर बैठकर एंजॉय कर रहे हैं, बारिश का मजा ले रहे हैं। और जो कि बनारस में हर तरह से लोग एंजॉय करते हैं,
तो इस साइड में भी देख पा रहे हैं जो कि जिस पे आरती होती है उस पर भी लोग एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं बैठकर पानी में। और अभी गंगा जी में देख पा रहे हैं कि लोग नहाते हुए भी नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग खड़े हैं। तो दोस्तों यह बनारस है, हर तरह से लोग एंजॉय मस्ती यहाँ पर करते रहते हैं। और गंगा जी का जलस्तर देख पा रहे हैं कि जो कि अभी भी बह रहा है, पानी ज़्यादा तो नीचे नहीं गया है, लेकिन फिर भी अस्सी घाट को जो कि साफ कर दिया गया है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि हम आपको रोड पर लेकर आ गए हैं, अब ले चलते हैं अस्सी घाट की तरफ। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं कि इस गली में से हम आपको लेकर आ गए हैं और यहाँ पर जो कि किस तरह का हाल है जो कि अस्सी घाट की सीढ़ियों का देख पा रहे हैं, पूरा जो कि मिट्टी जमा हुआ है और अस्सी घाट वाली जो कि सीढ़ियाँ चबूतरा है पूरा जो कि अभी मिट्टी जमा हुआ है। और इस साइड में जो कि लोग सफाई कर रहे हैं और इधर का देख पा रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ मिट्टी में भी जाकर खड़े हैं और सीढ़ियों पर देख पा रहे हैं क्या हाल है। तो आगे ले चलते हैं। तो जो कि मिट्टी होने की वजह से काफ़ी फिसलन भरी जगह हो गई है और ये सब पूरा मिट्टी जमा हुआ है। और देख पा रहे हैं जो कि बारिश भी हो रही है और आप लोगों को बारिश में भींग कर जो कि वीडियो दिखाना पड़ रहा है। तो दोस्तों यह वीडियो जो कि अच्छा लगे आपको तो लाइक करिएगा, चैनल से नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लोग बारिश में बैठकर मज़ा ले रहे हैं, बारिश का मज़ा ले रहे हैं घाट पर बैठ के, क्या करें पानी कम हो गया है। पानी कम हो गया है तो अच्छा लग रहा है, बारिश में भी भींग रहे हैं। भैया आप लोग लोकल ही हैं बनारस के? बनारस के। धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। क्या नाम पड़ेगा? राज जी। भैया आपका? टॉपी। तो जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो कि सफाई भी शुरू हो चुकी है जो कि घाटों को साफ किया जा रहा है। अभी गंगा जी का जलस्तर देख पा रहे हैं कि ज़्यादा तो यहाँ नीचे नहीं आया है, अभी जो कि लगा ही हुआ है पानी पूरा, लेकिन फिर भी लोग सफाई कर रहे हैं। और इस साइड में पूरा मिट्टी जमा हुआ है, एक दो दिन में पूरा साफ कर दिया जाएगा। और आगे का जो कि एरिया है वह सब मिट्टी में जाने के बाद जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए आपको वीडियो में नहीं दिखा पाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बारिश हो रही है और वीडियो दिखाते हुए हम आपको भीग चुके हैं। दोस्तों देख पा रहे हैं जो कि पीपल का पेड़ है और यहाँ पर जो कि छोटा सा मंदिर बनाया गया है, यह सब भी पूरा जो कि साफ कर दिया गया है। और पानी जो कि जस्ट अभी सीढ़ियों के नीचे ही है, ये देख पा रहे हैं, और इस साइड में भी देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि घाट पर बारिश हो रही है और कि क्या अपडेट है अभी का। और दोस्तों यह मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। और दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।